हेलो दोस्तों, सीएमएस इन्फो का जो आईपीओ है उसमें अप्लाई करने के लिए आज दूसरा दिन था, तो ये दूसरे दिन टोटल कितने गुना सब्सक्राइब हुआ है और इसके अलावा फाइनली इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर हम अप्लाई करते हैं तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन की। तो दो दिन के अंदर इसको जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 0.66 गुना, मतलब दो दिन के अंदर भी ये अभी अंडर सब्सक्राइब है। कारण उसका ये है कि मार्केट में काफी अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, मार्केट काफी वॉलेटाइल चल रहा है और काफी ज्यादा पिछले आईपीओ भी एक साथ हैं, सबकी फंडिंग क्या है कि अभी ब्लॉक पड़ी है, सबका पैसा जो है बटा हुआ है, इस कारण क्या है इसको सब्सक्रिप्शन भी हमें कम देखने को मिला है। फिर दोस्तों इसका जो क्यूआईपी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ अभी तक 0 गुना, एनआईआई पोर्शन जो सब्सक्राइब हुआ है 0.04 गुना। और दोस्तों कल की तारीख में उम्मीद है कि क्यूआईपी और एनआईआई थोड़ा बहुत और सब्सक्राइब करेंगे, पर अभी तक जो दूसरे दिन की बात करें तो बहुत कम सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला है। कारण यही है कि काफी सारे आईपीओ एक साथ हैं, मार्केट वॉलेटाइल है, इसके अलावा फंडिंग भी थोड़ी थोड़ी बटी हुई है। और दोस्तों इसका जो रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है 1.30 गुना, रिटेल पोर्शन ही ऐसा पोर्शन है जो एक गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ है, बाकी सारे पोर्शन अभी अंडर सब्सक्राइब है। तो दोस्तों दो दिन का अगर सब्सक्रिप्शन देखें तो काफी कम चल रहा है सब्सक्रिप्शन, और दोस्तों कल की तारीख में उम्मीद है कि थोड़ा बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल सकता है, और कल 12 बजे मैं आपको और अपडेट दे दूंगा इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर और सब्सक्रिप्शन पर। तो अब दोस्तों बात करते हैं इस आईपीओ में हमें फाइनली अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसका आज की तारीख में अगर ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो लगभग 10-15% के बीच में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है, और देखा जाए वैसे तो काफी कम है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो 32 रुपए पर शेयर चल रहा है, 69 शेयर का ये लॉट है, तो 32 × 69 करते हैं तो लगभग 2208 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। लगभग देखा जाए तो 10-15% के बीच में है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से देखें तो ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस मिल सकता है, और हो सकता है कि इससे भी कम हमें लिस्टिंग गेंस देखने को मिले। और बाकी दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो फाइनेंशियली ये अच्छी कंपनी है, और अभी जो ये जिस बिजनेस में है, मतलब कैश मैनेजमेंट के बिजनेस में है, उसके अंदर ये मार्केट लीडर है, जो कि इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। और दोस्तों इसके फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर जो है कैशलेस होने वाला है, तो इसके बिजनेस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, मतलब आने वाले अगर सालों की बात करें, 5 से 10 साल के बीच में बात करें, तो थोड़ा बहुत इसके बिजनेस पर इफेक्ट पड़ सकता है, बाकी ज्यादा तो नहीं पड़ेगा। बाकी कंपनी अगर ओवरऑल अगर हम शेयर को रखते हैं तो थोड़ा थोड़ा हमें रिटर्न मिल सकता है, ज्यादा रिटर्न की हम उम्मीद नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के अंदर, पर थोड़ा थोड़ा रिटर्न हमें मिल सकता है। और बाकी दोस्तों मुझे लगता है अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, और बाकी दोस्तों आप कोई भी डिसीजन लें तो अपनी रिस्क पर लें, इससे क्या है कि आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ठीक ठीक है, और लिस्टिंग गेंस भी हमें काफी कम देखने को मिल रहा है, तो इस हिसाब से अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों कल मैं 12 बजे आपको और भी अपडेट दूंगा, मतलब QIBs NIAs वगैरह कल कितने हैं, कितने गुना सब्सक्राइब करते हैं, कल इसकी फंडिंग वगैरह कैसी आती है, तो उसके बारे में भी कल आपको अपडेट दे दूंगा, तब भी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो, हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।